पापा आलिया प्रिंसेस को देखेंगे तो सुमित एक घंटे पहले मैं तुम्हें इसी पोजीशन में छोड़ के गई थी, अभी तक तैयार नहीं हुआ, औरत तुम हो या मैं? अरे यार ये स्टूपिड बटन, सुमित बजाओ तो। आलिया तुम अभी को लेके ना नीचे जाओ, मम्मा पापा को गुस्सा करने वाली है। सुमित बारात का टाइम हो गया है, देर हो जाएगी, और ये बटन, माया इस बटन को लेकर हम एक घंटे पहले ही लड़ चुके हैं ना, फिर से शुरू मत करो, तुम भी तो रेडी हो जाओ। मेरे सिर्फ बाल बनाने 2 मिनट लगेंगे। अच्छा ठीक है तुम नीचे जाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट में नहीं आना तो सीधे शादी के हॉल में मिलेंगे। अच्छा हुआ मेरा एक ही भाई है। मम्मी जी, मम्मी जी, ये बॉक्सेस कहाँ रखो? वहीं रख दे। माया जरा ये इस्त्री कर दे, ये ले, नाश्ता करना है मुझे। Okay. अबे डॉली वो ब्लडी फूड फूड वाले को बोलना, फोन क्यों नहीं कर रहे? बोला, बोला। अरे भाई मेरा फोन ये बात ये सुना के नहीं। हाँ बस इस्त्री कर रही हूँ ताऊ जी। ताऊ जी आप अपने हाथों से अपना तौलिया संभालिए। हाँ तौलिया तू संभालने में तुमको संभालता हूँ। ये लीजिए इस्त्री हो गया आपका कुर्ता। चलिए बच्चों चलो चलो नाश्ता करने चलो चलो। नहीं नहीं हर केस नहीं। अरे यार नचरी क्या समझाएंगे अंकल जी, नहीं चढ़ना घोड़ी तो नहीं चढ़ना बस। अरे सोनू अब शादी के दिन नखरे काय को दिखा रहे हैं? अच्छा अबे घोड़ी पे बैठ के लाल घाटी जाना है, हल्दी घाटी नहीं। भारिया होके जनानी सवारी से डर रहे हैं? ये ले तलवार सेफ्टी के लिए। तलवार? पापा जी घोड़ी ने तलवार देख के तो लत्ती मारनी है, वैसे ही वो सांड के घाव से जो निशान पड़ा ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ पापा जी। अबे ये सोच ले कि गियरलेस मोटरसाइकिल में बैठ रहा है, बस यूं पांव डाला किक मारी और तबड़क 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 तबड़क। शादी है उसकी, जंग पे नहीं जा रहा वो। छोड़ू बेटा तेरे को डर लग रहा है ना, तो घबरा मत, तेरा बाप तेरे साथ घोड़ी पे बैठेगा। हाँ, ताकि घोड़ी बैठ जाए। तू मेरा बहादुर बच्चा है ना। हाँ? अरे छोटी घोड़ी मंगाइए गधे के साइज की। अबे इतनी छोटी मंगाइए कि दरवाजे से अंदर आ सके। अबे बुलाओ ना धन्ना को, हम अभी लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं पापा जी घोड़ी अंदर गई। क्या ड्रामा चल रहा है? लो खच्चर आ गया। रजनीश भैया घोड़े पे बैठने से डर रहे हैं। अरे ये कौन सी नई बात है, हर मर्द को शादी से डर लगता है। मजाक मत करो, मजाक मत करो। छोरू बेटा घोड़ी पे नहीं बैठना तेरे को, मत बैठ मोटरसाइकिल पे बैठ। और ये तलवार पकड़ ले, ये वालियाओं की शान। भाई, 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 बाथरूम हुआ थोड़ा हल्का हो जाए। हाँ बेटा तू हुआ, वैसे भी रास्ते में ना सहरा पहन के कहाँ बाथरूम ढूंढेगा ना। अबे यहाँ कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत देर से आई है। तू मुड़ के चल चल चल। सोनू क्या कर रहे हैं? अरे भाई जल्दी निकल ना। सोनू सोनू तू का सोनू तू इतना क्यों डर रहा है? पहली बार शादी थोड़ी ना कर रहा है। अबे नहीं नहीं मेरा मतलब था कि अगले वाले भी मांग गए तो पागल हो गया क्या? ये सिमरन है तुझसे प्यार करती है। वो शादी के मामले में मैं बहुत अनलकी हूँ ना। शादी के मामले में कौन सा मर्द लकी होता है भाई? सोनू हो गया चल चल जल्दी चल। पता है सोनू घोड़ी है ना बहुत शांत है, मोंटी कॉलोनी में ना घोड़ी के ट्रायल लेके आया, कुछ नहीं किया उसने, बस उसे थोड़ी सी शक्कर खिला देना शांत हो जाएगी। मम्मी जी आप जाइए ना, आप जाइए ना, हम लोग आते हैं। हाँ आराम से आना। अरे लड़की वालों से पहले पहुंच के नाक थोड़ी कटवानी हमें। सुन सुनो तू शांत हो जा, सब कुछ स्मूथ जाएगा भाई। नहीं भाई वो दूध का चला हो ना, इसलिए एक बार सुना वो फूक फूक मार मार के ही शादी करें। एक और बात। अब कौन सी बात? एक बहुत जरूरी बात जो कोई नहीं जानता। मैंने सिमरन के पेरेंट्स को खुश करने के लिए जोश में आके उन्हें, अबे तुम लोग शादी में आ रहे हो कि मैं होके आ जाऊं? और ये बाथरूम में क्या भरत मिलाप हो रहा है?
सब ठीक ठाक तो है? हाँ हाँ पापा जी, एवान एवान, बस अपना दूल्हा जो है शादी से थोड़ा घबरा रहा था। अबे सोनो, जसबीर जी वालिया दी ग्रेट का बेटा होके घबरा रहा है? अबे टेंशन मत ले, मैं तेरे को हैप्पी वेडिंग का एक नुस्खा देता हूँ कि शादी में खुश कैसे रहा जाता है बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। पापा जी ये तो मैं भी सुनना चाहूंगा। देखो बच्चों, शादी के लिए है ना तीन चीजों की सख्त जरूरत होती है जिससे हर शादी कामयाब होती है। पहले तो जबरदस्त नॉन वेजिटेरियन फूड का बुफे, फिर रात के 2 बजे तक खुला हुआ बार, फिर एसी हॉल। पापा जी आप वेडिंग हॉल की शादी की बात कर रहे हो, हमें लगा था कि आप शादी के बाद की खुशियों की बात कर रहे थे। शादी के बाद की खुशियां? हाँ। ये क्या होती है? तू चल, तू चल ना, तू सोच मत यार, तू चल यार, आजा घोड़ी पे चल जा, चल चल चल। शादी के बाद की खुशी? की पंखुड़ियाँ, फूल और वो पूजा की थाली, गुलाब जल सब तैयार। आओ चलो स्वागत करते हैं। आ जा। शुभम रजनीश बेटा, शुभम शुभम, आओ आओ अंदर आओ। अरे एक मिनट, हमारे जसबीर जी और डॉली जी कहाँ हैं? मुझे बाहर किसी रिश्तेदार से लड़ाई करना है। शुभम, तू ऐसे क्यों चल रहे? घोड़ी ने कुछ किया क्या? घर से 10 मिनट की दूरी पे है ऑल, लेकिन तुम लोगों को ज्यादा नाचना था तो हाईवे से घुमा के ले आया बरात। बस कह रहे हो 1.5 घंटे सही है मैंने घोड़ी। अच्छा अगली बार ना। भैया श्री सब इंस्पेक्टर दूल्हे राजा श्री, आपको किसी की बुरी नजर ना लगे। मुझे खुशी है, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं हारा तो भी आप जैसे फौलादी घबरू से हारा। मेरा क्या? सिमरन की एक मुस्कान के लिए मैं और आगे क्या बोलूं? खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। शुभम बोलू, ये पलट के काटेगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, 2 पैक पी के तो शादी में वेटर भी इमोशनल हो जाता है। चल राजा रानी चेयर पकड़ दे। कहाँ गई हमारी नई नवेली दुल्हन? ओ माय गॉड, सिमरन कितनी ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी लग रही हो। मैं उसकी सासू। अच्छा देखो देखो मुझे, अरे मेरा चांद का टुकड़ा कितनी सुंदर लग रही है। मम्मी जी आप भी कितनी, सिमरन कितनी पतली आइब्रो बनाई है। ओहो वीडियो में नजर नहीं आएंगी। पेंसिल दो, पेंसिल दो, लो इधर देख। दाल पंचमल, भूरे चावल, परवल पुलाव, करेले कोफ्ते, कमल ककड़ी का सूप, टिंडे लौकी की सब्जी, हरे भरे सलाद, सत्यानाश। वेजिटेरियन खाने वालों की तो शामत आने वाली है। क्यों भाई साहब? हाँ जी। ये नॉन वेजिटेरियन खाना कहाँ लगा हुआ है? सब कुछ शुद्ध शाकाहारी है सर। शाकाहारी? ये हमारा कार सात्विक भोजानन, शुभम। शुभम? अबे ये कैसी घास पुसिया शादी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। गुरुजी आप भी? शुरू जी शुभम शुभम।
भाई ऐसा कर, मेरे लिए एक पटियाला बना। वो जो वेजिटेरियन खाना देख के गम हुआ है ना, उसको डुबोने के लिए। लीजिए। हाँ, कड़क लग रहा है पटियाला। चीयर्स। अबे ये पैग है या संडास का पानी? पुदीना पटियाला है सर, काली मिरी के साथ। अबे काली मिरी के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? विस्की कौन? सर मदिरा नहीं है सर। सर आप ये ट्राई कीजिए, आंवले का पन्ना, मोटापे के लिए बहुत सही है सर। ये तू खींच के मेरे मोटापे पे जरा सा भी कमेंट मारा तो। अबे ये शादी हो रही है कि किसी का क्रियाक्रम हो रहा है? मैं कह रहा हूं सुन लो कान खोल के, ये शादी नहीं चलने वाली। रब की मेहरबानी है, रब मुबारक। थे काका तू किसका बेटा है यार? पीछा करना पड़ेगा इसका, ये कहां से लगा के आया है? माया, माया, उस नाग निर्धारित को देखा क्या? नहीं, क्यों? सोनू को अब उसके डसने की टेंशन हो रही है। एनीवे, लेडी जोन में क्या चल रहा है? रेडियो 109 FM, मामी जी मिर्ची। दुपट्टा सीधा कर ले, ला इधर। हाँ ये, और मां का टीका देख। पुत्री सिमरन। हाँ मामा, आप किसे ढूंढ रही हो? मैं तो यहाँ हूँ। नहीं, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। आपके उन्हें? आपके वो ना मेरे उनके साथ होंगे बार में। मेरे ये मदिरा का सेवन नहीं करते, मदिरा से कोसों दूर रहते हैं। मैं तो पंडित जी को ढूंढ रही हूँ। क्या है ना, स्वामी जी ने मुहूर्त निकाला है फेरों का 11:56, अगर वो व्यतीत हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा, वो महिला कक्ष में आना पड़ा क्योंकि निर्धारित पुत्र। आओ आओ अंदर आओ। आज्ञा करें आंटी श्री। तुमने जो जिम्मेदारी उठाई थी पंडित जी को यहाँ लाने की, वो पूर्ण हो गई? हाँ ले आया, आ गए हैं। कहाँ है? होंगे यहीं कहीं, मैं ढूंढता हूँ उन्हें। चलिए आप यहीं रहिए। सिमरन। सिमरन, तुम्हारी बगिया कलियों और किलकारियों से हमेशा महकती रहे। थैंक यू। अच्छा है, मेकिंग चार्जेस क्या है इसके? मेरे सर का सामने बैठे हैं, खड़े हैं, वहां खड़े। अटेंशन सर। अरे भाई आराम से, और वैसे भी तुम आज ड्यूटी पर नहीं हो। A soldier is never off duty, sir. एक सिपाही कभी भी अपने कर्तव्य से। सुनो 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 सुनो। Excuse me, sir. भाई, तूने निर्धारित को देखा? क्यों? क्या किया उसने? तूने पंडित को देखा? नहीं, कौन सा पंडित? वो बात जो मुझे तुझसे कहनी थी। नहीं यार, अभी नहीं। मोनू, हाँ निर्धारित। शुभम भैया श्री। शुभम, तुमने पंडित को बुलाया? बुलाया नहीं भैया श्री, मैं स्वयं उन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। वो रहे। वो पंडित है? हाँ, डॉक्टर चेतन पंडित, निर्मल अंकल के साथ पढ़ते थे। ये शादी करवाएंगे? हे भगवान, मतलब आंटी श्री ने मंडप वाले पंडित को बुलाने के लिए कहा था? लो बोलो, मैं तो करनाल से इन्हें स्कूटर पर भगाकर यहाँ ले आया। निर्धारित के बच्चे, ये सब तूने जानबूझ के किया ना? इतना बुरा क्यों मान रहे हो भैया श्री?
आप तो स्पोर्ट्स लाइन में हो ना, जहाँ पर खिलाड़ी वो होता है जो आखिरी बॉल तक मैच जीतने की कोशिश करे। तेरी विकेट तो मैं गिराऊंगा निर्धारित। बोलू बोलू इधर आना। पहले तुझे कहा था कि कुछ ना कुछ पनौती होगी। भाई पंडित गायब है, हम लोग सब कब से उसे ढूंढ रहे हैं, और गुरुजी ने कहा था कि मुहूर्त, अरे कब से उस पंडित को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंडित को फोन। हाँ पंडित जी कहाँ हैं? अरे जेठमा, ये सही किया हमने, हमने बोला गया था कि कोई हमें लेने आएंगे, और यहाँ तो हमें लेने के देने पड़ गए। अरे डेढ़ घंटे से नोएडा हाईवे पर खड़ा हूँ मैं, जल्दी आओ। पंडित जी आप वहीं पे रुके, मैं किसी को भेजता हूँ आपको पिकअप करने के लिए। हाँ हाँ अभी अभी अभी। पंडित जी को लेने के लिए जाना होगा। ठीक है मैं जाऊँ। पागल हो गया क्या? पंडित तू ना चाबी ले, चाबी की जो गाड़ी है ना वो ले जाना। अरे लेकिन मोनू बहुत ट्रैफिक होगा। अरे ओ मैं घोड़ी ले जाऊँ? ओ भाई मेरे से सेट हो गई है, गलियों के अंदर से ले जाऊंगा शॉर्टकट से। लाला चाबी ला। अरे घोड़ी है वो। सॉरी भैया श्री, पंडित नहीं आ पाया तो शादी स्वाहा। निर्धारित श्री आप 2 मिनट जरा मेरे साथ साइड में आएंगे? क्यों नहीं आइए। मुबारका सबको, मुबारक करो हैप्पी ताऊजी, सबको मुबारक करो हैप्पी ताऊजी, सबको मुबारक करो हैप्पी ताऊजी। आप जो ये मार के आ रहे हैं, कहाँ से मार के आ रहे हैं? परवर की मेहरबानी है। बुड्ढा ही है जो ऐसी मनहूस शादी में भी ऐश कर रहा है। अरे जसवीर जी आप कुछ ले नहीं रहे? फिलहाल तो टेंशन ले रहा हूं। जी किस बात की? ये आपके यहाँ पर ये शादियां ऐसी रूखी सूखी होती हैं? ना मटन ना चिकन ना पेट ना वेज, सिर्फ वेज। जसवीर जी ये तो हमारी सिमरन ने इतना जोर दिया कि हमने इतनी महंगी शादी रखी, वरना धन का नंगा प्रदर्शन करने के हम कट्टर विरोधी हैं। मतलब कंजूस हो? ऐसी भी नहीं चल रहे हैं ना, इसका क्या जवाब है? पंडित माफ करना। बोलती बंद हो गई साली। आश्चर्य की बात है। ओ पंडित जी आ गए, पंडित जी। ओ सुमित रजनीश आपको आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? चलिए फेरों की घोड़ी शुरू होने वाली है। घोड़ी पुचकी आखिर वो दिन आ ही गया। पुचकू मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारी शादी हो रही है। चीज। ये पुत्र निर्धारित कहीं दिखाई नहीं दे रहा? हाँ। होटल गया है फूल लगाने के लिए। देखा ये लड़का समझो हमारे परिवार से बंधा हुआ है। सचमुच में बहुत टाइट बंधा हुआ है। दोनों कितने सुंदर लग रहे एक साथ। पहले से पता होता ना तो घर से पी के आता। देखो बे क्या मैं तुम्हें बेटा कहके बुला सकता हूँ? क्यों नहीं। हाँ तो रजनीश बेटे जी, हो सके तो करनाल के घर के लिए कोई सही किराएदार देखना। आपका घर क्यों किराए पे? क्यों पुत्र रजनीश ने आपको बताया नहीं कि वे चाहते हैं कि इनके विवाह के पश्चात हम दोनों इनके साथ इन्हीं के घर पर रहें? फिर से कहिए। यही कि हमारा रजनीश बेटा चाहता है कि उनकी शादी के बाद हम दोनों यानी कि मैं और पवित्रा जी इन्हीं के साथ इन्हीं के घर पर रहें, ऐसा कहा इन्होंने। सोनू
सोनू। वो मम्मी जी, मैंने सोचा कि कंपनी के लिए मम्मा पापा को मम्मा पापा धनी जल जीरे का पानी पी के मर चुका है पौधा। अरे मम्मी जी, मम्मी जी, देखो शादी हुई नहीं, इसने अपने माँ बाप बदल डाले, जन्म देने वाली माँ के साथ इतना बड़ा धोखा। मम्मी जी, कोई ना कोई वजह होगी। वजह कोई भी हो, लेकिन नतीजा मुझे पता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो रहा है। विदाई सिमरन की नहीं, मेरे बेटे की हो रही है, और ये मैं होने नहीं दूंगी। मम्मी जी, अब ये शादी नहीं हो सकती। Bum 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 b